हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी सामने एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज हमारे पास है होंडा सीबी हॉर्नेट 160R। ये हमारे पास टॉप मॉडल अवेलेबल है, ABS प्लस DLX। आज हम आपको इसका फर्स्ट लुक और इम्प्रेशन देने जा रहे हैं, इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ ऐड की गई है, इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ नहीं है। बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम इसके फ्रंट से बात कर लें। इसमें आपको 17 इंचेस के टायर मिलते हैं विथ एलॉय, जैसे कि आप जानते ही हैं। और आपको फ्रंट में देख सकते हैं ये डिस्क ब्रेक मिलता है विथ ABS। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। और ये टायर है ये 100 का है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर साइड में देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और आपको यहाँ पर ABS की बैचिंग भी मिलती है, जैसे कि आप सब क्लियरली मेरे वीडियो में देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब इसके हेडलाइट की बात कर लें। आपको इसमें बहुत ही अच्छी वाइट कलर की LED हेडलाइट देखने को मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, इसका हेडलाइट ही बहुत पावरफुल हेडलाइट है, जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, अब हम इसकी स्पीडोमीटर की बात कर लें। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड के इंडिकेटर का ब्लिंकर मिलता है, यहाँ पे आपको न्यूट्रन का ब्लिंकर मिलता है, बीच में आप जैसे देख सकते हैं आपको ABS का मिलता है, और यहाँ पर आपको पास का मिलता है, और हाई बीम लो बीम का, और यहाँ पर आपको राइट साइड के इंडिकेटर का ब्लिंकर मिलता है, जैसे कि आप सब मेरे वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको कॉर्नर में फ्यूल का मिलता है, जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। उसके बगल में आपको यहाँ पे RPM मीटर का मिलता है, इसमें 11 तक रेटिंग दी गई है। और बीच में आपको स्पीडोमीटर मिलता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, और यहाँ पर आपको टोटल मिलता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, और यहाँ पर आपको टाइम का मिलता है। और यहाँ पर एक आपको बटन दिया गया है, जिसे आप अपना ट्रिप रीसेट कर सकते हैं। पहला ट्रिप जैसे कि आप देख सकते हैं हमने नहीं किया है रीसेट, और सेकंड ट्रिप भी हमारी सेम है। और ये इस बटन की हेल्प से आप इसको रीसेट कर सकते हैं दोनों ट्रिप को, जो बहुत अच्छी बात है इस गाड़ी की। आइए फ्रेंड्स, अब इसके हैंडल बार की बात कर लें। आपको यहाँ पर पास का देखने को मिलता है स्विच, यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम, यहाँ पर आपको साइड्स के इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको हॉर्न का स्विच मिलता है। और अगर आप राइट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक हैजार्ड लैंप का स्विच मिलता है, जो आपको फर्स्ट फीचर देखने को मिलेगा इस गाड़ी का, जो बहुत ही हाईलाइटेड फीचर है, अभी तक किसी बाइक में नहीं मिला है कि आपके चारों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक साइड का स्विच मिलता है, जैसे आप देख सकते हैं। और इसमें एक यहाँ पे आपको इंजन का स्विच मिसिंग मिलता है, जो इसका डिसएडवांटेज है। फ्यूल टैंक की बात कर लें, इसमें आपको 12 लीटर कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी मैट फिनिश दी गई है, जो आपकी गाड़ी के लुक को और ही अट्रैक्टिव और ही इन्हेंस करती है, जैसे आप देख सकते हैं। और आइए फ्रेंड्स, अब हम साइड की बात कर लें। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा होंडा की बैचिंग मिलती है विथ क्रोम, और यहाँ पे आपको हॉर्नेट लिखा हुआ मिलता है, स्पेशल एडिशन ये हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर आपको पेट्रोल ऑन ऑफ और रिजर्व का मिलता है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल का मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपकी ठंडी में मदद करेगा। यहाँ पर भी आपको सीबी हॉर्नेट की बैचिंग मिलती है 160R, जैसे आप सब मेरे वीडियो में देख सकते हैं। और इसमें आपको 5 ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है इस गाड़ी की। आइए फ्रेंड्स, राइट साइड की बात कर लें। राइट साइड में भी आपको क्रोम फिनिश मिलती है, यहाँ पे आपको हॉर्नेट की बैचिंग जैसे उधर लेफ्ट साइड में दी गई थी, सेम टू सेम आपको राइट साइड में मिलती है, जैसे आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे एक BS4 की बैचिंग मिलती है, जैसे आप देख सकते हैं। और आइए फ्रेंड्स, अब हम इसे इंजन की बात कर लें। इसमें फ्रेंड्स आपको 162 cc का इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SI इंजन, जो बहुत अच्छी बात है। और पावर की बात कर लें तो 15.9 PS एट द रेट 5000 RPM पर मिलता है। और टॉर्क की बात कर लें तो 14.5 Nm एट द रेट 6500 RPM, जो बहुत अच्छी बात है इस गाड़ी की। और फ्रेंड्स, आपको इसमें 164 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है, जैसे आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में। फ्रेंड्स, आइए अब हम इसके बैक की बात कर लें। इसमें आपको बैक में मोनो सस्पेंशन शॉकर मिलता है, जो आपको बहुत अच्छी राइड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल भी आपको जर्क फील नहीं होने देगा, जो बहुत अच्छी बात है इस गाड़ी की। बैक में भी आप डिस्क देख सकते हैं। और आइए अब हम इसके टायर की बात कर लें। बैक में फ्रेंड्स की बात कर लें तो आपको इसमें 140x70 के टायर मिलते हैं विथ एलॉय, 17 इंचेस के ये भी टायर हैं, आप जैसे कि आप सब मेरे वीडियो में देख सकते हैं। इसमें फ्रेंड इसकी मेन हाइलाइटेड फीचर है, मेन इसका टायर की आप देख सकते हैं ब्रेथ। इसमें बहुत अच्छी आपको रोड पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी, बहुत अच्छी आपको ये गाड़ी स्टेबिलिटी और ग्रिप रोड पर बहुत अच्छी प्रोवाइड करेगी, जैसे आप देख सकते हैं इसके टायर की ब्रेथ बहुत ही ज़्यादा है इसके सेगमेंट में, गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा ये देता है आपको। और आइए अब इसके बैक की बात कर लें। आपको यहाँ पे बैक में LED स्वैप का टेल लैम्प मिलता है, ये आपको LED है। और आपको आप साइड के इंडिकेटर देख सकते हैं, और यहाँ पर बैक में भी एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं आप सभी के लिए और भी ऐसी वीडियो लेके आता रहूँ। ये था फ्रेंड्स होंडा CB हॉर्नेट 160R का फर्स्ट लुक और इम्प्रेशन।